नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर से हमारी क्लास अनिल शुक्ला फिटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, एग्ज़ाम नवंबर में होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी में जुटे रहें, तैयारी में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें और अपने क्लास का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में तैयारी बनाते रहें। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको ट्राई स्क्वायर के बारे में बताया था, जो फिटर ट्रेड या अन्य ट्रेडों में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। आज जिस टूल की बारे में हम बात करेंगे, वह टूल एक ऐसा टूल है जिसके बिना वर्कशॉप में किसी भी जॉब को पकड़ना संभव नहीं। हम नहीं कहते आप किसी भी प्रकार की युक्ति बना सकते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी युक्ति है, साधन है, सबसे बड़ा साधन है, जिसका नाम है वॉइस। वॉइस, तो आज हम जानेंगे वॉइस। इसे हम बांक भी बोलते हैं, बांक, ध्यान दीजिएगा। इसका यह नाम कभी कभी एग्जाम में हिंदी में दे देता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसे हम बांक भी बोलते हैं। अब दोस्तों, लिखते ही हमारे दिमाग में पहला सवाल वही आता है कि व्हाट इज द वॉइस। अब वॉइस समझिएगा, ये वॉइस बोलने वाली वॉइस नहीं है, यह वॉइस 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 माने एक तरह का आप पकड़ कह सकते हैं, ठीक है ना, धारण, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नवंबर में होने वाला है। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य स्टूडेंट्स को शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि यह वॉइस क्या होती है। वॉइस दोस्तों, स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स दोनों देखें, यह जो वॉइस है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वॉइस हमारे फिटर वर्कशॉप या इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप, किसी भी वर्कशॉप पे, आईटीआई ट्रेड पे वॉइस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। वॉइस आप देखेंगे कि जॉब को जब भी पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो हम वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। यानी वर्कशॉप में कार्य करते समय किसी भी कार्य या जॉब को अच्छी तरह मजबूती से पकड़ने के लिए जिस युक्ति या साधन का इस्तेमाल करते हैं हम, उसे हम वॉइस कहते हैं, ठीक है। अब आपको वॉइस के प्रकार बताते हैं हम कि वॉइस कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वॉइस के प्रकार, प्रकार, तो वॉइस के प्रकारों में सबसे पहले हम फिटर ट्रेड में जो फर्स्ट मोस्टली इम्पॉर्टेंट वॉइस जो होती है उसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम बेंच वॉइस कहते हैं। दूसरा आती है मशीन वॉइस। तीसरी जो हमारी आती है वह होती है पाइप वॉइस। चौथी जो हमारी आती है टूल मेकर वॉइस। अगली जो हमारी पांचवी आती है वह आती है लेग वॉइस। छठवीं जो आती है हमारी आती है पिन वॉइस। और सातवीं जो आती है वह होती है हैंड वॉइस, इसे हम दस्ती भी बोलते हैं, दस्ती वॉइस भी बोलते हैं। और आठवीं जो आती है कारपेंटर वॉइस। अब हम एक एक करके सारी वॉइसों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आती है बेंच वॉइस की बारी। तो बेंच वॉइस, बेंच वॉइस के नाम से ही पता चल रहा है कि यह बेंच पे फिट होती है, ठीक है ना। जनरली सभी बेंच पे फिट हो सकती हैं, लेकिन यह मोस्टली बेंच पे ही लगाई जाती है, बेंच पे ही जॉब को पकड़ते हैं और इसके द्वारा हम फाइलिंग, ड्रिलिंग, चिपिंग, रिमिंग जो भी कार्य करते हैं वह इसके माध्यम से करते हैं। दूसरी आती है हमारी मशीन वॉइस। ये जनरली मशीनों में जब हम ड्रिल करते हैं, मशीनिंग करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, मशीन में जब भी काम करते हैं और जॉब को या कोई पकड़ने के लिए साधन की ज़रूरत पड़ती है तो हम मशीन वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। यह ढलवा लोहे की बनी होती है, ढलवा लोहा,
यह भी ढलवा लोहा होती है, ठीक है, यह भी ढलवा लोहा होती है। पाइप वाइज, पाइप वाइज का जैसे पाइप से विदित हो रहा है कि हम इसका इस्तेमाल पाइप को पकड़ने के लिए या पाइप में जब भी हमें कोई काम करना है, पाइप के मेंटेनेंस में कोई हमें कार्य करना है, तो हम पाइप वाइज का इस्तेमाल करते हैं। फिर आती है टूल मेकर वाइज। टूल मेकर जो वाइस होती है यह भी ढलवा लोहे की ही होती है। इसमें हम छोटे आकार के जॉबों को पकड़ते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को धारण करने के लिए, छोटे और खोखले कंपोनेंट्स को धारण करने के लिए हम टूल मेकर्स वाइस का इस्तेमाल करते हैं। खोखले जॉब ऐसे होते हैं तो उसमें ज़्यादा जोर लगाओ तो चिपक सकते हैं, दब सकते हैं, तो इसलिए हम टूल मेकर वाइस का ये स्पेशल तौर पर बनाई जाती है, इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आती है लेग वाइज। लेग वाइज जो होती है दोस्तों, यह हमारी माइल्ड स्टील की बनी होती है। इसकी जो बॉडी होती है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है, ध्यान दीजिएगा, माइल्ड स्टील कुछ अलग है, हटके है। यह चीज सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है ना, कौन सी वाइज है जो माइल्ड स्टील की बनी होती है, ठीक है ना, ऑप्शन दिया रहेगा। तो तीन वाइसें हैं जो माइल्ड स्टील की बनी होती है, जैसे हमारी पिन वाइस भी माइल्ड स्टील की ही होती है, और ये जो हैंड वाइस होती है यह भी हमारी माइल्ड स्टील की होती है, ठीक है ना। विंग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले आप देखेंगे लेग वाइज का, लेग वाइज में एक लंबी सी रॉड नीचे की तरफ होती है और उसके द्वारा हम उसे ज़मीन में गाड़ देते हैं और बगल में हम किसी लकड़ी के लट्ठे या दीवार में सपोर्ट देकर उसे बांधते हैं और ऊपर हम जॉब को पकड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। हैंड वाइज जो होती है, सॉरी पिन वाइज जो होती है, यह घड़ी साज के कार्यों में जनरली इस्तेमाल की जाती है। इसमें बहुत छोटे छोटे आकार के स्मॉल साइज के कंपोनेंट को धारण किया जाता है, जैसे सुई नुमा जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम पकड़ने के लिए इस पिन वाइज का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ही छोटे आकार के ड्रिल बिट भी इसके द्वारा पकड़े जाते हैं। अब आती है हैंड वाइज। हैंड वाइज हम इसे हाथ से पकड़कर काम करते हैं। इसमें विंग नट के थ्रू हम कसते और खोलते हैं। सवाल आ गया दोस्तों, कौन सी वाइस है जिसमें विंग नट प्रयोग होता है? हैंड वाइस, दस्ती वाइस, ऑप्शन में मिल सकता है आपको, ठीक है, कारपेंटरी वाइस। एक यह वाइस भी है जो कास्ट आयरन लेकिन बटरस थ्रेड, इसकी वजह से यह भी जानी जाती है। कौन सी वाइस है जिसमें बटरस थ्रेड कटी होती है? कौन सी वाइस के स्पेंडल में बटरस थ्रेड मिलता है? तो कारपेंटर वाइस में बटरस थ्रेड पाया जाता है। यह बनी तो कास्ट स्टील का आयरन की होती है लेकिन इसमें बटरस थ्रेड मिलता है। कारपेंटर से नाम आ रहा है कि यह बढ़ई सेक्शन पे या कारपेंटरी सेक्शन पे लकड़ी को पकड़ने और लकड़ी को संभालने के कार्य में आती है। ये सारी जो होती हैं इसमें आप ये जान लीजिए कि इसमें स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, जनरली सभी में स्क्वायर प्रयोग किया जाता है। पिन वाइज में स्क्वायर नहीं प्रयोग किया जाता है, पिन वाइज में थ्रेड कटी होती है, BSW थ्रेड कटी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में देने योग्य हैं, यही चीज़ें आपको ध्यान देना है, और वाइस को इस्तेमाल करते समय दोस्तों सावधानियों को भी ख्याल रखना है। वाइस को जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हम सेफ्टी प्रिकॉशंस का इस्तेमाल जरूर रख करेंगे, क्योंकि वाइस को जब भी हम यूज़ करेंगे उससे पहले हम खोल के अब चला के देख लेंगे कहीं उसमें हाथ तो नहीं है या कोई डैमेज तो नहीं जिसकी वजह से हमें चोट लग जाए, क्योंकि हमें उसमें पकड़ के जोर से मशीन द्वारा काम करना है या हाथ से काम करना है तो उसमें कंपन नहीं होना चाहिए, वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो जो ये वाइसें हैं हमारी,
इनके बारे में आपको हमने बताया। और वाइस को जब भी हम इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हम उसको साफ़ सुथरा करके तेल ग्रीस करके छोड़ देंगे। उसके बाद जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसका ऑयल ऑयल चिकनापन सब हटा के फिर उसके बाद उसे हम इस्तेमाल में लाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो ये है हमारी वाइस के प्रकार हैं। वाइस को हम बांक भी बोलते हैं। वाइस मजबूती से किसी भी कंपोनेंट को किसी भी जॉब को कार्य करते समय धारण करने का कार्य करता है। और ये है वाइस के प्रकार, बेंच वाइस, मशीन वाइस, पाइप वाइस, टूल मेकर वाइस, लेग वाइस, पिन वाइस, हैंड वाइस और कारपेंटर वाइस, जिसे हम बढ़ई वाइस भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ढलवा लोहे की कौन कौन सी वाइस बनी होती हैं, माइल्ड स्टील की कौन सी वाइस होती है और किन वाइसों में कुछ स्पेशल हो रहा है, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में नोटिस करें। वाइस कुछ और होती हैं, बेंच वाइस में कई प्रकार की वाइस आती हैं, ब्रेंच वाइस के अलग अलग प्रकार होते हैं, स्विवल वेज वाइस होती है, यूनिवर्सल बेंच वाइस होती है। तो आप ये ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम आपको अगली क्लास में विस्तृत जानकारी देंगे। अभी आप छोटा छोटे खंडों में ही इन सब चीज़ों का प्रिपरेशन करना चालू करें। और आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम लेवल की तैयारी करके आप छोटी छोटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो ऑप्शनल लेवल की हैं उस हिसाब से आप पढ़ाई करना चालू करें। दोस्तों अगली क्लास में हम फिर एक किसी नए चैप्टर के साथ आपको रूबरू कराएंगे, उस चैप्टर से उस चैप्टर के बारे में बताएंगे, कुछ नई चीज़ें खोज के लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी उसे देखें और बहुत कुछ सीखें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।